हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी कभी भी एमली फायर में एक छनकार बजाना चाहते हो, दोस्तों जैसे कि आपके पास कोई स्पीकर है उसमें आप छनकार बजाना चाहते हो, आप लोग ये एमली फायर देख के आप फिलहाल बोर हो गए हो, फिलहाल उसे आप ड्रॉप करना। पर मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्पीकर है, तो हमारे पास इसमें हम ये वाला स्पीकर बजा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस वाले एमली फायर से अगर हमें छनकार बजाना है, ये 5200 का है, ये इसमें जो 5200 इसमें 5200 वाले ट्रांजिस्टर लगे हैं, 5200 1947 वाले ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम ऐसा क्या लगाए कि इसमें हमारी छनकार एकदम प्रॉपर बजे। अब उस जगह हम क्या करते हैं, इस तरह कैपेसिटर लगा देते हैं 5200 वाले में, तो ये वाले कैपेसिटर कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद ये फूल जाते हैं, उसके बाद ब्लास्ट हो जाते हैं। ये ज़्यादातर एम्पलीफायर में शिकायत आती है जब हम एम्पलीफायर की फुल आवाज़ करते थे। ऐसा हम इसमें क्या करें जो हमारे एकदम प्रॉपर तरह से वर्क करे, तो दोस्तों हम इसमें आज आपको यही बताएंगे। अब ये हमारे स्पीकर के बारे में हमने जैसे लगा रखे हैं दोस्तों, हम आपको एक तो मतलब 5-10 सेकंड के लिए हमें इसमें आपको सॉन्ग पहले प्ले करके दिखाएंगे, उसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे इसमें ऐसा क्या करें जिससे आपकी जो आवाज़ है वो सही रहे, मतलब आपकी आवाज़ जो छनकार आप बजाना चाहते हो वो एकदम क्लियर निकले हो। वरना तो वैसे भी नहीं निकल पाती है, अगर आप इसमें कैपेसिटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, या कोई स्पीकर बजाते हो उसमें आपको समझ में आता है ऐसा क्या लगा। इसमें जो हमारा जो करंट रहता है वो हमारा रहता है एसी करंट, ठीक है दोस्तों। 5200 वाले जितने मॉस्फेट वाले ट्रांसफार्मर जो भी मतलब जितने भी मॉस्फेट वाले हो या ट्रांजिस्टर वाले जितने भी एम्पलीफायर होते हैं उसमें जो हमारे जो आउटपुट निकलता है वो दोस्तों हमारा एसी निकलता है, वह डीसी नहीं निकलता। उसे इस चीज़ पे आप लोग निर्भर रहना, इसका आप लोग अगर एसी में अगर इसका वोल्ट नापोगे तो उसके देम इसका प्रॉपर दिखेगा आपको, और अगर आप डीसी पे नापोगे तो आपका थोड़ा सा 19-20 दिखेगा। तो अब दोस्तों हम इसमें ऐसा क्या करें जो हम इसके लिए छनकार बजा सके, दोस्तों उसके लिए हमें इसमें क्या लगाना होगा। इसमें हमें दोस्तों लगाने क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूँ, पहले हम इसका आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। पहले हम इसमें भी हम आपको मतलब नॉर्मली एक चीज़ दिखाएंगे जो आप समझ जाना, एफएम पे ही हम आपको चेक करके दिखा देंगे। जैसे हमने ये लगा लिया है, अभी ये हमारा ब्लूटूथ बज रहा है तेज। अब हम मान लीजिए मैं छनकार लगाना है, एक एग्जांपल थ्रू में सर में छनकार लगाना, अब उसमें ऐसा क्या लगे आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका 5200 वाला एम्पलीफायर है तो आप लोग उसमें कैपेसिटर का यूज़ ना करें, उसमें आपको इस तरह के पीएफ का यूज करना पड़ेगा। ये दोस्तों हमारा पीएफ है जिसके आप देख सकते हो दोस्तों, आप वोल्ट के हिसाब से ले सकते हो। ये हमारा इसकी अगर आपके इसमें आउटपुट निकाल लें 20 या 30 वोल्ट तो आप उसमें ले सकते हो अराउंड 20 या 25 वोल्ट तक आप आराम से कर सकते हो, मतलब आप ले 100 वोल्ट का आराम से पीएफ यूज कर सकते हो। पर दोस्तों हम यहाँ पर 500 वोल्ट का यूज करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये है 500 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, 500 वोल्ट और उस पर लिखा है 474J, ये हमारा पीएफ है। ये दोस्तों आपको किसी भी सर्किट या किसी में भी आपको यूज करने मिल जाएगा आपको दोस्तों, ये वाला भी चाहे आप कर सकते हो दोस्तों, आप इस तरह के पीएफ का यूज करें। इस पीएफ को अगर हम देखो दोस्तों, अगर इस पीएफ को हम इस तरह से लगाएंगे, जैसे इस पीएफ को हम जैसे मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, जैसे ये है हमारा स्पीकर के, ठीक है, प्लस ये स्पीकर के बारे में, स्पीकर का ये है, ये है, ये है, समझ लीजिए एक नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब दोस्तों अगर हम इसको इस तरह से लगाएंगे, अगर हम इसको इस तरह से लगाएंगे, जैसे आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर हम इसको पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, तो हमारी उस जगह पे हमारी बेस बढ़ेगी। अगर हम इसे पैरेलल में लगाते हैं तो हमारी बेस बढ़ेगी, अगर इसे हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, सीरीज में हमारी छनकार बढ़ती है। अब मैं आप लोग उसको करके दिखाता हूँ किस तरह से। पहले हम अपने मोबाइल को इस तरह सेट कर लेते हैं, माइक सेट कर लिया है, अब मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा। अभी यह है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसे करता हूँ प्ले। पहले ये दोस्तों हम उस पर कर रहा है, ठीक है दोस्तों, स्पीक ये नॉर्मली जो हमारी एफएम होती है उस पर, वरना कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। अगर हम इसे दोस्तों इस तरह से लगाते हैं, समझना, देखो ये होता है पैरेलल, इसे हम कहते हैं पैरेलल। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो आपका क्या होगा, मैं आपको साउंड भी सुना के दिखाऊंगा। देखो दोस्तों हम एक सॉन्ग प्ले ही कर लेते हैं पहले, तो Here.
म्यूजिक हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर एक कर लेते हैं, हम ऐसा सॉन्ग प्ले करेंगे इसको कॉपीराइट ना हो हमारा, ठीक है दोस्तों। पहले तो इसमें ढूंढ लेते हैं, हम ये वाला कर लेते हैं, आप सुन सकते हो इस साउंड, ठीक है। अगर हम इसे पैटर्न में लगाएंगे, दोस्तों बहुत कर्रा फॉल्ट हो गया, ये गलती से काई है, हमारा वीडियो बनाते बनाते काई है, इसमें हमारा टच हो गया, तो इसलिए इसमें हमारा एक ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट हो गया दोस्तों। अब हमें पहले से रिपेयर करना होगा, उसके बाद हम इसके आगे का काम करेंगे। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं इसमें हुआ क्या है, ऑडियो बराबर है, ये धुआं भी निकलने लगा, ये हमारी यहाँ पर एक आईसी शॉर्ट हो गई दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो में हमारा नुकसान हो गया, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना। पर दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूँ मैं आप समझ लेना, अगर आप लोग कभी इस तरह के 5200 में अगर आप इस तरह से यूज करते हैं वो तो हम ठीक कर ही लेंगे एम्पलीफायर को बाद में। फिलहाल हम आपको ये बता दें, इसमें हमारी एक आईसी उड़ गई है जो 45-58 इंच में जो आईसी लगी होती है दोस्तों। अब हम इसमें आपको बता दें, आप लोग इसे पैरलर में ही लगाएंगे, जैसे ये होता है पैरलर, जैसे ये वाला अगर हम इसे इस तरह से लगाएंगे तो ये होता है पैरलर, और सीरीज हमें क्या होता है पैरलर में लगाएंगे तो आपकी बेस बजेगी, और सीरीज में लगाएंगे तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ स्पीकर के बाहर सीरीज हम इसे कहते हैं, अगर आप सीरीज में इस तरह से लगाओगे तो आपकी छनकार आपकी बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अगर आप लगाओगे तो इसमें छनकार आपकी, आपका कोई सा भी स्पीकर हो, चाहे आपका छोटा हो बड़ा हो या आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, वो भी आप इससे बजा सकते हो अगर आप इस तरह से लगाते हो पैरेलल में करके। जितने ज़्यादा वोल्ट का लोगे उतना छोटा स्पीकर आप अच्छे तरह से बजा सकते हो, आप कम वोल्ट का लोगे तो उसमें आपको छनकार ज़्यादा मिलेगी, अगर आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट का लोगे तो उसमें जितना भी छोटा स्पीकर हो वो भी आप एम्पलीफायर से बजा सकते हो। सीरीज इसे कहते हैं और पैरेलल इसे कहते हैं, वो दोस्तों गलती से मिस्टेक हो गई हमारा, यहाँ से इस पे इस तरह से टच हो गया ये वाली रेजिस्टेंस पे, तो इसलिए हमारी जो 45-58 आई थी उसमें धुआं निकल गया, वो हम फिलहाल ठीक कर लेंगे। वीडियो बनाते समय ये दिक्कत हो जाती है, अगर फिलहाल दोस्तों अभी हमारा कैमरा ऑन कैमरा ही जो भी प्रॉब्लम हुई ऑन कैमरा हुई थी, फिलहाल उसे हम ठीक कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों, नुकसान तो होता ही रहता है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं।